सेकंड टाइम कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है काफी ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और वोटिंग किए हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी करने वाले हैं वोटिंग। ये क्या मस्त नज़ारा भाई, इस नज़ारा को देखने के लिए यार आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। तो फाइनल गाइस देख सकते हैं हम लोग मेथन डैम पहुँच चुके हैं, और देखिए सामने है ये गुंबद दिख रहा है आपको। अगर आप लोग आते हैं गोविंदपुर रूट से तो आपको देखिए ये रूट मिलता है, यहाँ दो रूट मिल जाए आपको। तो राइट साइड में चलेंगे तो आगे तरफ आपको मिलेगा मेन गेट मिलेगा मेथन डैम का, उधर से जाएंगे तो ये गाँव पड़ता है। तो नज़ारा कुछ देख लीजिए सामने किस तरह का। तो देखिए हम लोग यहाँ सामने खड़े हैं, अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको नज़ारा। चलिए वीडियो में बने रहे, देख सकते हैं आप लोग पीछे है हमारा मेथन डैम का नज़ारा। तो पता नहीं आपको ये कैमरा एक्सप्लोर कर पा रहा नहीं पा रहा, लेकिन यार जो सामने का व्यू है ना वो आप लोग देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है, वो देख सकते हैं वो टापू भी है बहुत सारा। तो उस टापू में लोग जा सकते हैं, कुछ रेंट है, मैं पता करके बताता हूँ आप लोगों को कितना चार्जेज है वहाँ जाने के लिए। तो देख सकते हैं कुछ नज़ारा है। एक्चुअली यहाँ बोटिंग होती है, वहाँ बोटिंग के लिए भी जाके आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे का व्यू। तो वीडियो में बने रहना भाई लोग। क्या मज़ा आ रहा है यार बाइक राइडिंग करने का, यहाँ बाइक राइडिंग करने का मज़ा एक अलग है यार। तो देख सकते हैं अभी जो हम लोग राइट साइड में ये मिलियन पार्क है, उधर भी हम लोग जाएंगे। पहले चलते हैं बाइक स्टैंड करते हैं, फिर आते हैं रास्ता से आपको। रास्ता आने के बाद देखिए पार्किंग की सुविधा है, और ये देखिए सामने, और इधर देखिए बोटिंग प्लेस है। तो बोटिंग घाट इधर भी है उधर भी है, लेकिन देखिए अगर चलते हैं आप लोग बोटिंग जगह में, आप दिखाते हैं वहाँ जाके क्या क्या कैसी फैसिलिटी और कितना चार्जेज है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देख सकते हैं हम लोग फाइनल में बोटिंग की ओर जा रहे हैं, और देखिए इस तरह नज़ारा है बोटिंग जाने का रास्ता। देख सकते हैं सब बोटिंग हम लोग कर सकते हैं, ये है बोटिंग स्पॉट। और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं बोटिंग करने के लिए, देख सकते हैं खड़े भी बहुत लोग हैं। तो ये नज़ारा है काफ़ी अच्छा लग रहा है, उधर भी देख सकते हैं बोटिंग एरिया। सामने जो देख सकते हैं ये लकड़ी का जो बोट है, ये बाय हैंड चलता है, तो इसका रेट है पर बोट 300 रुपया। और जो मोटर्स चलता है देख सकते हैं इधर सामने इधर है, तो ये मोटर ग्लाइडिंग इसका पर बोट 600 रुपया है। तो आप लोग जैसे मर्जी आप लोग बोटिंग कर सकते हो और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप लोग लकड़ी वाला बोट से जाओगे तो थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। बताइए इन लोगों से कुछ बातचीत करते हैं हम लोग। आप लोग कहाँ से आए? मैथन डैम पहली बार आए हैं कि इससे भी पहले आए हैं? पहली बार आए हैं। मैथन डैम कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है काफी ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और बोटिंग किए हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी करने वाले हैं। बोटिंग कीजिए, काफी मजा आएगा बोटिंग का आनंद लीजिए। तो मेरे को काफी देखकर अच्छा लगा यार, यहाँ फोटोशूट का भी प्लेस बना हुआ है। तो अगर जो लोग यहाँ फोटोशूट का इंटरेस्टेड रखते हैं तो उनके लिए तो काफी अच्छा है। देख सकते हैं बहुत सारे टेडी बियर भी रखे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर फोटोशूट कराओ, आपको तुरंत ही 5 मिनट के अंदर आपको फोटो आपके हाथ में मिल जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है यार। तो यार देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सेट भी बनाया गया है। तो देख लीजिए हमारे भैया जो भी फोटोशूट कर रहे हैं एक पर्सन का, तो काफ़ी अच्छा लगा यार। तो आओ आप लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं इस तरह का। देख लीजिए अंदर आने के बाद, एक्चुअली यहाँ बोला जाता है फोटोशूट नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक आप लोग कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो देखिए नज़ारा, देखिए क्या मस्त नज़ारा भाई, इस नज़ारा को देखने के लिए यार आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए तो देख सकते हैं यहाँ डैम, यहाँ को आप देख सकते हैं इधर भी ये पहाड़ भाई। ये नज़ारा देख के मेरे को मन लग रहा है कि यहाँ से जाऊँ ना, पता नहीं वो कैमरा एडजस्ट कर पा रहा है पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ का व्यू देखने में ना काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं और आगे और क्या क्या देखने के लिए मिलता है आपको दिखाते हैं। तरह का जब भी हाउसफुल हो जाता है तो यहाँ फाटक बना हुआ है, ये फाटक खोल दिया था, लेकिन अभी है कि पानी को स्टोर किया गया है और इससे बिजली उत्पादन किया जाता है। पता होगा आप लोग झारखंड से होंगे तो यहाँ से बिजली उत्पादन भी होता है। देख सकते हैं यहाँ कुछ इधर भी इस तरह का काम हो रहा है। देखिए इधर नीचे देखिए भाई, ये नज़ारा भाई देखने लायक जगह। तो चलिए और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग अगर अच्छी देखने को मिलता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जानते हैं यहाँ पर अगर फोटोशूट कराते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो रहा तो देखिए जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देखिए नज़ारा, इधर बहुत लोग घूम रहे हैं,
तो ये एरिया आना तब को आ सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं और ज़्यादा आप लोग को रुकना नहीं है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वर्जित है फ़ोटो के लिए। बहुत अच्छा पार्क है, इधर देख सकते हैं कुछ सजावट की इस तरह है, अंदर जाना मना है लेकिन ये सीन देखने की जरूर आइएगा, आप लोग आएंगे तो देख सकते हैं। यार मैं तो मैथन डैम 102 बार आ चुका हूँ लेकिन मैं ये पार्क कभी देखा नहीं था, लेकिन इधर जब नीचे जब आया तब देखा ये पार्क कितना मस्त नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी, आप लोग देखिए इधर कितना सजावट किया हुआ है, मस्त सजावट किया हुआ यार। तो आप लोग अगर मैथन डैम आते हो तो ये पार्क को जरूर विजिट करना। देखो चलिए दिखाता हूँ कुछ नज़ारा, आप लोग इंजॉय कीजिए। ये जो सब सेट्स बना है यहाँ से देखिए फोटो शूट करा सकते हैं, इसमें 20 रुपये पर लगता है ये सब में, तो काफ़ी अच्छा आप लोग फोटोशूट भी करा सकते हैं, व्यवस्था अच्छा है काफ़ी, देख रही हैं अभी व्यवस्था कर रहे हैं फोटोशूट करा रहे हैं, तो आपको पर पीस 20 रुपीज़ लगेगा आपको अगर तो आप लोग फोटोशूट कराते हैं। तो ये जो ऊपर से देख रहे हैं इधर ये पिकनिक प्लेस है, चलिए पिकनिक प्लेस की ओर जाते हैं। गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मिस्टर का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिस्टर वीडियो के साथ, जय हिंद जय झारखंड जय भारत। तो देखिए नज़ारा भाई इस तरह का, आप लोग आएंगे काफ़ी मजा करेंगे, चलिए मिलते हैं।